हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में। और क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के मैं आंसर लेके आया हूं। तो यहां पे देखिए, ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है जो किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं या फिर कुछ पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विषय का है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, दूध में खटाई डालने पर स्कंदित क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, तो टाइम लगेगा, मैं फटाफट स्लाइड कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों। ठीक है, उच्च विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता की वजह से प्रबल ऑक्सीकारक होता है। मेंडियस अभिक्रिया, फिर है एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव क्यों नहीं है। परासरण किसे कहते हैं, समपरासरी विलयन क्या होते हैं, परासरण दाब का जैविक महत्व भी बताना है हमको यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। फिर है 12, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, कोई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा ये पूछा जाता है एक साल के गैप में। फिर है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में कोई 3 अंतर। फिर उसके बाद है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्धांत समीकरण नामांकित चित्र बनाना है हमको यहाँ पे, तो सिद्धांत और समीकरण, ये सिद्धांत और समीकरण, फिर उसके बाद है ये और इसका नामांकित चित्र। फिर है क्लोरीन के 3 ऑक्सी अम्ल के नाम एवं सूत्र, ये आपके असाइनमेंट में भी पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल। फिर है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नामकरण। फिर SN2 अभिक्रिया। फिर उसके बाद है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद लुकास अभिकर्मक के द्वारा आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लुकास अभिकर्मक ZnCl2 और HCl के मिश्रण को बोलते हैं। फिर है यहाँ पे देखिए, क्या होता है जब ये समीकरण दीजिए, जहाँ पे यहाँ पे 2 समी दिया हुआ है हमको, जब डाइएथिल ईथर को HI के साथ गर्म किया जाता है तब, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का LiCl H4 के द्वारा अपचयित करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण एसीटल और एल्डोल के बारे में बताना है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए और बी को पहचानिए, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कंप्लीट होगा, है ना। फिर है न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी, क्या होते हैं, ये जैव रसायन है ना, उस रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर है न्यूक्लिक अम्ल, और इनके प्रमुख कार्य भी हमको बताने हैं। फिर है निम्नलिखित युग्म के पदों में विभेद कीजिए, क्रिस्टल जालाकिका, कोष्ठिका और चतुष्फल की रिक्ति और रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति के बारे में बताना है। ये हो गया क्रिस्टल जालाकिका, कोष्ठिका, फिर है चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्ति के बारे में। ठीक है, विभेद है ये। फिर है लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन के 2 कारण और 2 परिणाम। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, कारण और उसके परिणाम। फिर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, केवल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, है ना, रासायनिक समीकरण हमको देना है बस। तो एसिटिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन, इस तरीके से।
फिर है कोलरास नियम, और इनके दो अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत रसायन वाले चैप्टर से है। ये कोलरास नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये टोटल कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो इसको ध्यान से नोट करिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे चल के इन सब टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा जिसको आपको अच्छे से समझना है, ये आगे आपके कॉलेज में काम आएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।